इसमें एलईडी बल्ब इंस्टॉल करे जा रहे हैं, साथ ही इसमें फुल बॉडी किया है लेमिनेशन। लेमिनेशन जो है वो थ्री लेयर है, मैं दिखाता हूँ आपको थ्री लेयर कौन सी होती है। ये देखो गाइस, इसमें जो स्क्रैचेस आते हैं ना करते समय, तो थ्री लेयर से जो फाइनल लेयर उतारते हैं ना तो बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। ये देखो, ये आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अभी देखो कितने स्क्रैचेस हैं, जब इस चीज़ को यूज़ करते हैं ना तो इससे स्क्रैच आ जाते हैं, और जब ऊपर की जो आखिरी वाली लेयर हटाते हैं ना जब, तो उस पर एक नंबर का शाइन आ जाता है बिल्कुल ही न्यू। ये देखो गाइस, ये देखो ईद का चांद। तो ये होता है थ्री लेयर का फ़ायदा, और आप देख सकते हो सामने बिल्कुल ही। देखो अब इतनी न्यू जब आप कंपनी से बाइक लाते हो ना तब भी नहीं होती है जितनी अब हो गई। ये देखो डिफरेंस देख सकते हो आप। और गाइस सर, ये वाला पार्ट रहता है लेमिनेशन करने के लिए, और ये वाला पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। ये इसकी कटिंग वगैरह सब कुछ कर दी है, अभी इसकी कटिंग वगैरह रह गई है, फिनिशिंग मैंने आपको दिखा दी है, साथ में ये वाला पार्ट भी किया जाएगा और ये वाला पार्ट भी करते हैं। ज़्यादातर जगह पे क्या होता है कि फुल बॉडी का नाम ले देते हैं, सिर्फ टैंक कर देते हैं और आगे का मडगार्ड कर देते हैं, कहते हैं बस हो गया, बाकी जगह पे कहते हैं लेमिनेशन जो है होगी नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जाएगी पूरी बॉडी की। और इसके अलावा इसमें सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल कर रहे हैं, और सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल करने के लिए जो वायरिंग वगैरह होती है आप देख सकते हो उसकी, ये आती है खुली। और इसके अंदर जिस तरीके से कंपनी में आपने देखा होगा कि वायर स्लिप आती है, यानी कि ये पाइप से डले हुए आते हैं, तो उस पाइप के अंदर डालकर वायरिंग करी है देख सकते हो, जिससे कि वायरिंग भी ख़राब नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा, और आपकी जो वायरिंग है वो वाटर प्रूफ हो जाती है। ये देख सकते हो यहाँ से, ये इसलिए खुला है क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन दिए जाएंगे। ये सेंटर लॉकिंग हो गया आपका, ये देख सकते हो आप, मैं बता चुका हूँ आपको कि इससे ना आपकी जो बाइक की जो है वारंटी भी ख़राब नहीं होती, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता, प्लस आपकी जो वायरिंग है वो भी हो जाती है वाटर प्रूफ। और ये देखो गाइस, यहाँ भी तार को जो है ना छील के काम नहीं कर रहे हैं, एक थिम्बल लगा रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। ये देखो, ये होती है प्रॉपर फिटिंग। ये देखो अब इसमें क्या है, कार्बन वगैरह भी नहीं आएगा, और जो शॉर्ट सर्किट होगा ना वो बाहर कट जाती है ऑटोमेटिकली, तो उसके से भी निजात मिल जाती है आप लोगों को। देखो और ये है इसकी की, ये देख सकते हो आप, दो इसमें डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जिस डिजाइन का आप चाहो वो ले सकते हो। नेक्स्ट है गाइस, SJG का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, ये देख सकते हो, जो बहुत ही हैवी क्वालिटी मिल जाता है आपको। ये देखो, और ये भी वाटर प्रूफ होते हैं, प्लस इसमें आपको चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो इसकी क्वालिटी देख सकते हो गाइस आप, बहुत ही ज़बरदस्त है, फुल्ली मेटल में। एक होते हैं गाइस ये स्लाइडर, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ, और ये कुछ इस जगह पर इंस्टॉल हो जाते हैं, और आपने ये काफ़ी सारी वीडियो हमारी देखे होंगे, बट मैं आज आपको दिखाऊंगा एक और ऑप्शन कि वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट ये भी इंस्टॉल किए जाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन और भी आपको मिल जाता है, एक ही इस तरीके का क्रैश गार्ड आपको मिल जाता है, अगर आप ये चाहो तो ये भी इंस्टॉल करा सकते हो, और ये बहुत ही हैवी क्वालिटी में होता है, और ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देखो इस तरीके से ये भी ऑप्शन आप करा सकते हो। ये देखो, और वो स्लाइडर जो मैंने आपको दिखाए थे वो ऑप्शन भी है, लुक देख लो कुछ इस तरीके का आ रहा है। और ये वाला जो था ये गाइस, ये कंपनी फिटेड आता है, ये आप देख सकते हो, जो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है, ये कंपनी का ही है। और गाइस ये जो हैंड ग्रिप है, ये वाली हैंड ग्रिप बिल्कुल लेटेस्ट है, फर्स्ट टाइम एक बार इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें आपको ब्लैक मिल जाती है हैंड ग्रिप, और ये फुल्ली मेटल में है, और यहाँ पर साथ में बारेंट्स मिल जाते हैं जो कि कुछ डायमंड स्टाइल में है। ये देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का आपको लुक मिलने वाला है, एक बार मैं उसको दिखाता हूँ आपको खोल के। ये देखो गाइस, ये कुछ इस तरीके के आपको लुक देंगे इंस्टॉल होने के बाद। सिमटेक का हजार्ड आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें, जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न इंस्टॉल कर रहे हैं ये इसको, इसमें आपको एक साल की गारंटी मिल जाती है। एक ही वाला वाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो काफ़ी सारी आपने बाइक्स में देखा होगा, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं इसमें, और इस बार भी कुछ ना कुछ रैपिंग से नया डिजाइन डालेंगे। और टायर हैगर जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो ये वाला ही आप देख सकते हो, ये उसका ऊपर का पार्ट है, बाकी इसका पूरी फिटिंग आती है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसकी कुछ इस तरीके की फिटिंग आती है, ये आप देख सकते हो इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके लगता है। और एक टायर हैगर ये वाला है, शकल दिखाओ भाई साहब, हेलो इधर इधर, ये अपने राजू भाई है, जैसा कि मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ स्कैमर का सावधान रहना है अपने। इसके अलावा गाइस एक लॉक इंस्टॉल किया गया है, इसको आप हेलमेट को लॉक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा पहले कर लेते हैं इसको कंप्लीट और फिर दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो गाइस जो एक्सेसरीज मैंने आपको दिखाई थी वो लगभग इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब दो चीज़ें बिल्कुल मैं लेटेस्ट दिखाने वाला हूँ। पहली चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक रख के दिखा रहा हूँ आपको, ये वैसे तो R15 का है, लेकिन आपको कुछ इस तरीके का लुक मिलेगा अगर आप चेन कवर इंस्टॉल कराते हो तो। ये फुल्ली मेटल में होता है, ये देखो ये इसका कंपनी का है, और ये हर कलर का मिल जाएगा, यानी जिस कलर का आपका राइडर होगा ना उस कलर पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। और एक चीज़ है अभी हमारे राजू भाई दिखाएंगे आपको, देखो गाइस ये है विंगलेट, ये देखो दूर से देखो भाई साहब, इसको हटाओ एक बार, अब देखो लग रहा है अधूरी सी है, ये देखो गैप, तो ये जो जगह है ना ये खाली से लगती है, और यहाँ पर आप अगर विंगलेट लगाते हो, एक बार दोबारा रख के दिखाओ, ये देखो गाइस। और कलर की चिंता मत करो, जिस कलर का आपका राइडर होगा उस कलर पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये भी आज ऐड करने वाले हैं, बाकी इसको फाइनल करके दिखाएंगे हम आपको कैसा इसका लुक।
Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down तो फाइनली गाइस इंस्टॉलेशन हो चुकी है कंप्लीट और आप देख सकते हो इस बार कुछ बिल्कुल नया किया गया है। आपने जो देखे थे हैंड गार्ड जो कि एडजस्टेबल वाले थे यानी कि आगे पीछे जाते हैं, तो यहाँ पर ना ये एरिया ट्रांसपेरेंट था, बट यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया ग्लॉसी ब्लैक कलर का रैप, ये आप देख सकते हो, जो कि फर्स्ट टाइम है अभी तक किसी ने किया नहीं है दोस्तों। और इसमें कलर आपको मिल जाएंगे रेड ब्लैक आप देख सकते हो, अदरवाइज इसमें आपको वाइट मिल जाएगा गाइस। और यहाँ पर जो वाइजर आपको दिखाया था जो आपने काफ़ी सारी हमारी राइडर में देखा है, तो ये क्या है, ये आता ट्रांसपेरेंट, बट इसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया, इसको भी हमने सेम कॉन्सेप्ट पे लिया गया यानी ग्लॉसी ब्लैक और साथ में व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स इंस्टॉल कर दिए जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग सा है इस बार, ये देख सकते हो। और वाइजर के गाइस जस्ट नीचे अगर आप देखते हो तो ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल की है विंग लाइट, ये देखो, जो कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कंपनी फिटेड है, ओवर नहीं लग रही है, ये देख सकते हो। और इसमें ब्लैक है, अदरवाइज आप चाहो तो किसी और कलर की भी ले सकते हो, जिस कलर का पास आपका राइडर होगा ना उस कलर का यहाँ पर आप सेम टू सेम ले सकते हो, तो ये बिल्कुल यूनिक चीज़ हो गई, ये देख सकते हो। और अब बात करता हूँ मैं इसके एलईडी बल्ब की, ये देखो जो हेलोजन बल्ब आते हैं उसकी इतनी ब्राइटनेस नहीं होती है। और इसमें इंस्टॉल कर रखा है सिमटेक का हज़ार्ड जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाते हैं, और वो पैटर्न तभी वर्क करेंगे जब आप इस तरीके के बल्ब इंस्टॉल कराते हो, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, एक आध पैटर्न ही काम करेगा। और पैटर्न चेंज करने के लिए जस्ट लेफ्ट राइट और पीछे प्रेस करते हो इस बड़े बटन को तो उसके पैटर्न हो जाते हैं चेंज, और जो एलईडी बल्ब थे वो पीछे से भी चेंज किए गए। और साथ ही में गाइस ये वाला पार्ट इस पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ते रहते हैं, छोटा सा है बट इसे भी कर दिया लैमिनेट। और जो हैंड गार्ड थे वो ब्लू के अलावा येलो भी आप देख सकते हो जल रहे हैं, अदरवाइज में रेड भी मिल जाएगा व्हाइट भी मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। क्रैश गार्ड मैंने आपको ये वाला दिखाया था बट इस बार ये वाला नहीं, इस बार ये वाला इंस्टॉल किया गया। और ओरिजिनल वाला जो आपका आता है स्टॉक वाला उसको हटाया नहीं है, उसको भी इसमें इंस्टॉल करा रहने दिया है आप देख सकते हो, उसके साथ में ये भी लगा दिया, ये डबल स्ट्रेंथ हो गई है। इसमें कलर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस कलर का आप चाहो इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एचजीजी का जो है मोबाइल होल्डर इंस्टॉल किया गया जो कि विद चार्जर है, इसमें विदाउट चार्जर ही मिल जाते हैं और काफ़ी सारे ऑप्शन और भी हैं अवेलेबल। और जो मैंने आपको सेंटर लॉक दिखाया था इसमें आपको दो की मिल जाती है, इसकी को अगर आप बनवा लोगे तो काफ़ी यूज़फुल रहता है, अदरवाइज़ इसके अंदर भी एक की है जो कि कुछ फ्लिप वाले स्टाइल में खुलती है इस तरीके से आप देख सकते हो। और अगर हम इसका बटन प्रेस करते हैं ना तो जो आपकी बाइक है वो ईजिली स्टार्ट हो जाती है। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि इसकी कितनी दूर से पकड़ती है यानी कि इसका कितनी रेंज है, तो मैंने उसको वीडियो को दिखाया था आपको, अगर देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अदरवाइज़ आप इससे लॉक भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। और अब अगर कोई अगर आपका एक बाइक छूता है तो टच करता है तो एक ही वार्निंग देके उसके बाद ये साइरन क्रिएट करने लगती है, ये देख सकते हो गाइस। और अगर उसको एक बार और करोगे तो एक ये देख सकते हो गाइस, अगर इस तरीके से आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो जस्ट प्रेस से। इसके अलावा गाइस इसका सीट कवर इंस्टॉल किया गया जो कि सेम टू सेम कंपनी की जैसा ही लगाया है, इसमें आप किसी और कलर का भी लगा सकते हो। काफ़ी सारी वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी जिसमें काफ़ी सारे डिजाइन के सीट के कवर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। और इस बार जो नया काम आपको दिखाया है वो दिखाया है हैंड गार्ड पर रैपिंग, विंगलेट प्लस क्रैश गार्ड।